सीमावास में राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक हुई है। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मांडर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, साथ ही कानून व्यवस्था से लेकर चुनावी वादों पर भी चर्चा हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए। राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक, मांडर उपचुनाव की रणनीति पर मंथन, राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा। सरकार गठन के बाद पहली बार राज्य समन्वय समिति की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में भी मांडर उपचुनाव छाया रहा। बैठक में मजबूती के साथ मांडर उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मांडर के रण में उतरेंगे। सीएम कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में प्रचार करेंगे। मांडर चुनाव कैसे करके हम लोग अच्छा परिणाम दे, उस विषय पर हमको हम लोग ज्यादा चर्चा हुई है, और दो अन्य चीजों पर हुआ है जो बैकलॉग है, उस पर भी हम लोगों ने बातचीत किए हैं, ताकि त्वरित गति से सब काम हो, जनता का हित का काम हो, इसी पर विचार हुई। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में रहे मौजूद, समिति के तमाम सदस्य भी बैठक में रहे मौजूद। बैठक में राजधानी की कानून व्यवस्था पर चर्चा, बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा, चुनावी वादों पर अमल करने पर बनी रणनीति, चुनावी वादों पर कितना अमल हुआ सूची बनाई जाएगी। राज्य किस स्थिति से गुजर रहा है, किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई है, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई, बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा हुई है। बोर्ड निगम निश्चित रूप से वो एक विषय है, लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो हमने वायदे किए थे उन पर बहुत पर काम हुआ है, और उन सारे का किए जो है खाका तैयार करने के लिए कहा गया है कि कितने वायदों पर हम अब तक खड़े उतरे हैं और कौन कौन सी चीजें होना बाकी है। सरकार गठन के काफी दिनों बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जिसके बाद सीएम आवास में कमेटी की पहली बैठक बुलाई गई। 9 सदस्य इस कमेटी के अध्यक्ष शिबू सोरेन है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, बंधु तिर्की, सत्यानंद भोक्ता, विनोद कुमार पांडे, फागु बेसरा, सरफराज अहमद और योगेंद्र प्रसाद इसके सदस्य हैं। पहली बैठक में कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।